આજ બહેનો કે લીએ પર્વ કા દિન હૈ મિલન કા દિન હૈ આજ કા દિન સસુરાલ મે નહી નૈહર મે ગુજરતી હૈ ઓર નૈહર મે પુરાને સે પુરાને ઓર નયે સે નયે બહનોં સે મિલન હોતા હૈ ઓર મિલ કરકે આપસ મે ખુશિયોં કા અનુભવ કરતા હૈ કોઈ 10 સાલ કોઈ 20 સાલ 15 સાલ 25 સાલ કે બિછડે હુએ સખી હૈ ઉન સખિયોં સે મિલન હોતા હૈ ત્યોહાર ખાસ રૂપ મે મિલન કા હી ત્યોહાર હૈ બહનોં કા તો કૈસે મિલના ચાહિયે કહા જાતા હૈ જબ ત્યોહાર કે દિન બહોત પુરાને બચપન કા સખી હૈ 10-20 વર્ષો કે બાદ આતી હૈ સોચતી કે મેં અપની સખી સે જા કરકે મિલ લું વહ જાતી હૈ જિસ ઘર મે ઉસ ઘર કે સખી કો દેખતી હૈ ઓર ઉસ ઘર વાલી સખી હૈ ઉસ બહન કો દેખતી હૈ જૈસે દેખા ચાર મિલ જાતા હૈ બહન તો દો હૈ એક આને વાલી સખી હૈ ઘર કે સખી હૈ લેકિન ચાર મિલ ગયા જૈસે ચાર મિલતા હૈ વૈસે 64 ખિલે 64 ખિલ જાતા હૈ વૈસે હી રહે 20 કર જોર 20 કર જોર કર કે અંગુલી હૈ મિલ જાતી હૈ ઓર નિકટ હોને પર દોનો કા પ્રેમ ઉમર પડતા હૈ આજ ધન્ય મેરા સૌભાગ્ય કે 10 સાલ કે બિછડે હુએ મેરી બહન મેરી સખી સે આજ મિલન હો રહા હૈ અપને અપને ભાગ્ય કો તરાસતી સૌભાગ્ય સમજતી હૈ તો ચાર ક્યા મિલતા હૈ દો આંખ આને વાલે સખી કા और दो आंख घर में रहने वाली सखी का सखी के आंख से सखी के आंख मिलता है तो चार मिले चार दोनों का चार आंख मिलता है तो 64 खिल जाता है प्रसन्नता से खुशियों से 64 खिलता 64 क्या है 32 दांत उनका 32 दांत ઘર મે રહેને વાલી સખી કા 64 દોનો કા દાંત ખિલ જાતા હૈ ખુશિયો સે તૈસે હી ઓર નિકટ જાતા હૈ રહે 20 કર જોર 10 ઉંગલી ઉનકા ઓર 10 ઉંગલી ઉનકા તુરંત જુડ જાતા હૈ ઓર જુડે જુડે એકદમ નિકટ હોતા હૈ જૈસે નિકટ હોતા હૈ તો દિલ સે દિલ દોનો भुजाओं में पकड़ रहता है और आंखों से प्रेम के आंसू बहाता है। ये क्या है? बहन का मिलन त्योहार है, मिलन का त्योहार है। 10 वर्ष 20 वर्ष 25 30 40 साल के पुराने से पुराने बुआ है, दीदी है, मौसी है, इन लोगों से मिलन होता है। ખાસ રૂપ મે મિલન કા ત્યોહાર માના જાતા હૈ લેકિન ઇસસે નામ અમર નહીં હોતા હૈ અમર કૈસે હોતા હૈ
जिसको उन्होंने अभी हमारे साथी ने बताया कि जीवन को तराशो, तराशो। तराशना क्या है? अपने स्वार्थ के त्याग करना, अपने अपने स्वार्थ के त्याग कर दो। स्वार्थ का जो त्याग करेगा वही नारी है, सास के, ससुर के, पति के, देवरान, देवर के, देवरान के, जेठान के, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे से अच्छे व्यवहार करेगा, जीवन जिएगा। स्वार्थ का त्याग करना है। कैसे स्वार्थ का त्याग करना है? एक उदाहरण के माध्यम से हम सब समझें। महारानी सीता है, सब जानते हैं इतिहास के पन्नों में, रामायण सुनते हैं, और महाराज राम के अर्धांगनी सीता है। दोनों में कितना प्रेम, पति और पत्नी में। राम का वनवास हुआ था, महारानी सीता का नहीं हुआ था। महाराज राम कहता है, सीते मैं माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास जा रहा हूं, तुम माता पिता की सेवा करना। भरत है राजगद्दी में बैठना, बैठेगा, उनका मर्यादा का पालन करना। उनके रानी है, उम्र में तुमसे छोटी है, फिर भी उसके भी मर्यादा रक्षा करना। महारानी सीता क्या कहती है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे वैसे नारी समझ लिए क्या? मैं राज कन्या और राज रानी, राज बहु बन करके तुम्हारे साथ में मैं आई हूं। राजकन्या राजा जनक की पुत्री है, राजबहु राजा दशरथ की बहू है, और परमात्मा माने हुए राम के पत्नी है। पतिदेव मुझे ऐसे वैसे नहीं समझना। आप वन को जाएं, मैं घर में राजभवन में रहूं, ये नहीं हो सकता है। आपके कदम में कदम मिलाते हुए नंगे पैर चल करके तप करूंगा, जो आपके अनुकूल सामग्री का व्यवस्था करूंगा। राम कहता है, सीते वन में बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, उन कष्टों को तुम राजकन्या राज रानी राज बहु होकर के कैसे सहोगे? तब महारानी सीता कहती है, जैसे सूर्य से उसके गर्मी को, उसके प्रकाश को आप अलग कर दें, जैसे गुड़ से गुड़ के मिठास को अलग कर दें, जैसे मिर्चा से उसके तितास को अलग कर दें, जैसे नमक से उसके खारापन को अलग कर दें, तभी आप कहिए कि सीते तुम राजभवन में रहो और मैं वन को जाता हूं। महारानी सीता कितना तपस्वनी होकर के पति में समर्पित जीवन जिया। आज उसी के कारण से महारानी सीता का नाम अमर है। राम से कहीं ज्यादा महत्व महा सीता का है। इसलिए नारियों को चाहिए, अपना जीवन को तराशना है तो सीता बन जाए। महारानी सीता सास ससुर में, देवरान जेठान में, पति में, सब कुछ समर्पित होकर के जीवन जी। दूसरा है शैव्या। शैव्या कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के पत्नी है।
राजा हरिश्चंद है, सब कुछ को दान में दे दिया और दान में देने के बाद पत्नी को भी बेच दिया, अपने को भी बेच दिया, लेकिन पत्नी शैव्या है, पति धर्म को पूरा जीवन में निभाई। आज उसके कारण से शैव्या के भी नाम अमर है। तीसरा है सावित्री। सावित्री कहते हैं सत्यवान की पत्नी है। सत्यवान धूमसेन के पुत्र है और सावित्री है अश्वपति के पत्नी बेटी है, अश्वपति के बेटी है। और सावित्री तो दोनों का जो देखा युवावस्था, नारद ने देखा, धूमसेन से कहता है राजा साहब आपकी बेटी जवान हो चुकी है, शादी योग्य हो चुकी है, इनका शादी कब करेंगे? अब आपके कोख में रहने सकती है। सावित्री के पिता धूमसेन कहता है कि मैं सावित्री को कह चुका हूं, तुम अपना वर खोज लो। उन्होंने सावित्री के पास में आती है, सावित्री पिता और नारद भगवान के पास में आती है। नारद भगवान देख करके कहता है बेटी तुम्हारा वर मिल गया? उन्होंने कहा कि हाँ मिल गया। कौन है? धूमसेन के पुत्र सत्यवान है। नारद भगवान देखता है सत्यवान एक महीना के अंदर में, महीना के पूरा होते होते उसका मौत हो जाएगा। तुम ऐसे जिस राजकुमार का मौत हो जाए ऐसे पति का वरण मत करो। सावित्री कहती है मैं एक बार वरण कर चुका हूं, एक बार ही होता है। कहा जाता है पुरुष वचन मर्द का वचन एक बार निकलता है। और कदली कहते हैं केला को, केला का फल एक ही बार होता है, सिंह का गमन एक ही बार होता है, एक ही संतान पैदा करता है। उसी प्रकार से भगवान मैंने पति चुन लिया, चाहे वो मर जाए मृत्यु हो जाए लेकिन मेरा विवाह सत्यवान के साथ ही होगा। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। कथा बहुत लंबा है, कहने का समय नहीं है। विवरण पूर्वक दोनों का शादी हो चुका है। सत्यवान के पिता धूमसेन राज से निकाल दिया गया था और उसके आंखों में उसके माता और पिता दोनों के आंख को फोड़ दिया गया था। राज में तप, जंगल में तप कर रहे थे, कुटिया बना करके सत्यवान है। और वहीं जाता है, सावित्री कहती है ए राज ये शोभा नहीं देगा क्या? राज का जो सिंगार है, वस्त्र आभूषण है, सब कुछ को निकाल करके बक्सा में रख देती है और तपस्विनी बन जाती है, सास ससुर के सेवा करती है, पति के कदम में कदम मिला करके चल जीवन जीती है। आगे चल करके सावित्री को पता है मेरे पति का मौत कब होगा, कब होगा? अब तीन दिन बाकी है, आज कल परसों तीसरा दिन में उसका मौत होगा। सावित्री पति के में समर्पित होकर के व्रत शुरू कर दिया तीन दिन का। आप लोग तीजा रहते हैं, तीजा रहती हैं, कल दिन भर
शाम को रात तक से खाए हैं और सुबह आज कुछ न कुछ जल जलपान करते रहे हैं। कोई कोई होता है जो तीजा के दिन बिल्कुल निराहार रहे और रात्रि में पारण करें, ऐसा कोई बिरले होता है। तीजा के मतलब है दूसरे दिन ही पारण करना। तो सावित्री तीन दिन तक व्रत रहने के संकल्प लिया, मेरे पति का परसों मौत हो जाएगी। सावित्री के सास ससुर समझाते हैं, बेटी इतना कठोर तप मत करो, कुछ भी नहीं खाना पीना, पानी भी नहीं पीना, निर्जला निराहार तीन दिन तक तप किया। तीसरा दिन होता है, पति है उसके सत्यवान है, कहां जाता है जंगल में लकड़ी लाने के लिए। सावित्री वह भी पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आज पति का मौत है। तैयार हो जाती है तो सत्यवान कहता है, सावित्री तुम तीन दिन से भूखे हो, व्रत चल रहा तुम्हारा, मत जाओ, चलने की हिम्मत नहीं होगी, कहीं गिर जाओगी तो, और माता पिता की देखभाल कौन करेगा। सावित्री कहती है, मेरे लिए माता पिता सास ससुर तो सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़कर के आपका जीवन है, आपके साथ चलूंगी। खाई तीन दिन से भूखा है, सावित्री अपने सत्यवान पति के साथ चल देता है और चल करके जंगल में उसके पति लकड़ी काट रहा है। जब लकड़ी काट रहा है उसी समय पीछे से सन 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 करते हुए एक नाग आता है और सत्यवान के पैर को डस देता है। वो नाग नहीं है, यमराज है। यमराज आया, उसके आत्मा को निकाल लिया। सावित्री अपने जंघे में सत्यवान के सिर को रख दिया और बिल्कुल पति में समर्पित होकर के ध्यान करने लगी, ध्यान में मग्न हो गई। उसी समय यमराज आता है, सावित्री तुम्हारा तप को देख करके मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, तुम्हें जो वर मांगना है मांग लो। वर में बहुत कुछ मांगता है, अनेक वर मांगता है, बार बार हार जाता है। कौन? यमराज है। अंतिम में अपने पति को जिला करके ही रहा, पति के श्वास अंतिम थी। तो इस प्रकार से सावित्री के तरह हम तीजा रहे और तीन से अपना जीवन को निर्मल बनाएं, तन मन वचन तीनों को शुद्ध करें और पति परिवार सास ससुर में समर्पित होकर के जीवन जिए, तभी हमारा तीजा रहना सार्थक है। तीसरा हुआ, चौथा है गंधारी। गंधारी कौन है? गंधारी है पांडवों की माँ है, धृतराष्ट्र की पत्नी है। पति के साथ में शादी हुआ धृतराष्ट्र के, लेकिन पति के दोनों आंख नहीं था। शादी होने के बाद गंधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांध लिया, मेरा पति देख नहीं सकता है तो मैं देखते हुए संसार में भटकता रहूं, भटकना मेरा धर्म नहीं है, पति में समर्पित होकर के जिंदगी जीऊं। गंधारी अपने दोनों आंखों में पट्टी बांध दिए और कितना कठोर तप किया, पति और पुत्र परिवार का सेवा करते हुए आज उसका नाम अमर है। और पांचवा है भीमनंदिनी। भीमनंदिनी राजा भीम के पुत्री और नल की पत्नी है।
दोनों में दोनों के नाम अमर है, भीम नंदनी राजा नल और भीम नंदनी, दोनों में इतना प्रेम और कितना तप। राजा नल है सब कुछ हार गया जुआ में, जुआ में हार जाने के बाद में पति और पत्नी दोनों वन को जाता है। नल कहता है दमयंती तुम्हारे तो नारी है, घर में रह करके तप करो, मैं वन को जाता है। यहाँ तक राजा नल के शरीर में कपड़ा नहीं है, पूरा नंगे है, फिर भी दमयंती उसका रक्षा करती है। अंत में राजा नल उसे भी त्याग करके सोते हुए समय में भाग निकलता है। फिर भी पति में इतना समर्पित, इतना समर्पित कि दमयंती है लौट करके माता पिता के सहारा होती है, लेकिन दूसरा पति नहीं चुनती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दूसरा पति नहीं चुनती है और उसी पति को पाने के लिए पूरा तप जीवन में करती है। तो इस प्रकार से इन पांच नारियां को जीवन और दर्शन को आज नारी वर्ग चिंतन करें। इन्हीं के नाम इतिहास में अमर क्यों है? क्या हम अमर नहीं हो सकते हैं? चिंतन करो। आज भी राम सीता की तरह और सभी राजाओं रानियों के नाम जो अमर है इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है, सुमिरन भजन होता है। केवल सुमिरन भजन नहीं, अपना जीवन को तराशने के लिए है। इसलिए आज तीजा के अवसर पर तीज त्योहार है, तो अपना जीवन को निर्मल बनाने के लिए आज सुंदर अवसर मिला है। संकल्प दिवस बहनों याद करो, मुझे भी कैसा जीवन जीना चाहिए, सास ससुर के साथ में, देवर जेठान के साथ में, पति के साथ में, पुत्र परिवार के साथ में, क्या मैं तप कर रही हूँ, क्या मैं साधना कर रही हूँ? यदि नहीं है तो आज ऐसे देवियों के जिसका नाम अमर है उसके पद चिन्हों में चलने के लिए संकल्प लें और चल संकल्प लेकर के निरंतर आगे बढ़ें। अवसर एक बार मिलता है, ये मनुष्य शरीर मिला है तो केवल नाम कमाने के लिए, परिवार और समाज में एक अच्छे रोशनी देने के लिए जीवन मिला है। इसलिए हम सबको ऐसे देवी और देवताओं के नाम को सुमिरन भजन करें, ध्यान करें और अपना जीवन को तराशें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।